एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक अलहपुर में स्थित बुआपुर गांव पड़ा, जहां पर ग्रामीणों ने नवनीत कुमार को ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 5000 की आबादी व 2400 वोटर वाले इस गाँव की ब्लॉक से दूरी 7 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 50 किलोमीटर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 123 बच्चे अध्ययनरत हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 34 हैंडपंप लगे हुए हैं तथा 11 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 92 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। इसी के साथ गाँव में 5 सीसीटाइज रोड, खड़ंजे, स्कूल में मरम्मत कार्य, पानी निकासी के लिए नाली व प्याऊ का निर्माण भी कराया गया है। वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 196 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, कन्या इंटर कॉलेज, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 57 आवासों तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान से हूं। मेरे गाँव में आज तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी धन आया है मैंने उसका सदुपयोग किया है, पूर्ण निष्ठा के साथ करा है। और मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से है, विशेष अनुरोध है कि वो मेरे गांव में एक कन्या इंटर कॉलेज खुलवाए। एक मेरा पंचायत घर है जो खंडर की स्थिति में है, उसका नवीनीकरण कराएँ, अंत्येष्टि स्थल बनवाएँ, आंगनबाड़ी केंद्र निजी जगह में संचालित हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी मेरे यहाँ बनवाए हैं। उसको मैंने मांग 57 आवासों की मांग की है, वो भी जल्दी से मंजूर कराएं। स्वास्थ्य केंद्र की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो शहर है वो भी काफ़ी दूरी पर है, जिसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरी मुख्यमंत्री से एक बार बहुत विशेष अपील है, वो मेरे इन सब काम कराए। और एक विशेष अनुरोध ये भी है कि हमारा जो मानदेय है वो काफ़ी कम है, हमारा मानदेय 18 से 20 हज़ार करवाया जाए, जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण सही प्रकार से कर सकें।